नमस्कार, आदाब, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा में। मुझे आज लाल रंग में देख करके आपको लग रहा होगा अजीब कि आज कैसे लाल रंग में है दीदी, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। 3 बज चुके हैं, 3:03 हो गए हैं। हम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इतना पढ़ाई का टेंशन कभी नहीं हुआ मनीषा। यही तो बात है, जब समझो कि जब चिंता कर रहे हो उसका मतलब सही राह पर हो, है ना, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। नमस्कार 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 नमस्कार। एक बार सभी बच्चे ना क्लास को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के साथ, ताकि सबको पता चल जाए। आज मैंने कोशिश की है ताल पर रखने की चीज़ें। आज मैं लगभग लगभग एक तिहाई ताल आपकी करा दूंगी, एक तिहाई ताल पर हम लोग प्रश्न कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम ऐसे ही एक एक दो दो दिन, एक एक दो दो दिन करके ताल पर प्रश्न कर लेंगे, फिर राग पर प्रश्न कर लेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे साहित्य पर प्रश्न कर लेंगे, है ना। जो हमारा साहित्य बेसिकली मतलब ग्रंथ की बात हो रही है, ग्रंथ हमारे संगीत के, ऐसे करके धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए चलिए, नमस्कार प्रणाम नमस्कार। चलिए देरी ना करते हुए क्लास कर लेते हैं शुरू, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे, और पहला प्रश्न आप सभी का, आप सभी की स्क्रीन के सामने है। पहले प्रश्न से उत्तर दीजिएगा सभी लोग। शुक्रिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है। साउंड बहुत कम है। नहीं नहीं साउंड ठीक है, आप एक बार चेक करिए साउंड। पूछिए पूछिए पूछिए, एजुकेशन का क्लास कम है। मैं सभी क्लासेस के बारे में आज आपको 6 बजे जानकारी दे दूंगी कि आपकी बाकी क्लासेस कब होंगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। शुक्रिया शुक्रिया रवीश। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सभी लोग उत्तर दीजिए पहले प्रश्न का। झूमरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 13, 14 या 15? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। नीतू ध्यान से चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता कि पीडीएफ नहीं हो। लगभग 2000 बच्चों में 1 से 2 से 3, मुश्किल से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समस्या हो रही है। इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। एक बार ध्यान से देखोगे तो दिखेगी, वहीं वो सामने ही है। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। 6 to 8 है तो और कोई क्लास करना। नहीं 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 जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। मैंने आपको सारे जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी मैं आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ। कैसे आप लोगों को लिंक नहीं मिलते हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 14, और कोई? बिल्कुल सही बात। कितनी मात्राएं होती हैं झूमरा ताल में? 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 14, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न। आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी से। आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जूली अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पहले शुरुआत में, जब अभी बीपीएससी ने अपना पेपर लिया है उसमें शुरुआत में रखी गई थी, बाद में हटा दी गई। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बताऊंगी, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, है ना। चलिए 13, 14, 15, 12 जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी से फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं, जल्दी से बताओ सभी लोग। आज मात्राओं पर प्रश्न है, और ये प्रश्न सभी लोग 3-3, 4-4 बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये याद हो जाए। प्रश्न को जितनी बार दोहराएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखिए संगीत का प्राचीन काल में अगर आधार ग्रंथ देखेंगे तो वो नाट्यशास्त्र है। संगीत में उत्तरी और कर्नाटकी संगीत का आधार ग्रंथ देखेंगे तो वो संगीत रत्नाकर है, ठीक है, ये अंतर है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अनंत, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए कितनी मात्रा। आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं, जल्दी से बताइए फटाफट से। पाठक जी उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे दूंगी, निश्चिंत रहिए। बताइए जल्दी से कितनी मात्रा। बिल्कुल ठीक, बी 14 मात्राएं होती हैं। आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है।
झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 10। बेफिक्र रहिए, राग परिचय के लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। रागों का परिचय कैसे याद किया जाए उसके लिए मैंने सीरीज भी निकाली थी। आप लोगों को मैं कामोद राग करा चुकी हूँ, आप लोगों को मैं गौड़ सारंग राग करा चुकी हूँ। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके याद करेंगे, सारे राग गा कर याद करेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। झप ताल में कितनी मात्राएं? 11, 12, 13, 10। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। 10 मात्रा, वेरी गुड। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। झप ताल में कितनी मात्राएं? बिल्कुल सही बात, 10 मात्रा होती है झप ताल में। कितनी मात्रा होती है? 10। अगला, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से फटाफट से बताइए, एक ताल में कितनी मात्राएं? जल्दी से बताइए। नारदीय शिक्षा बाद की है, नाट्य शास्त्र पहले का है। हालांकि इनकी इनके समय काल के बारे में अगर कहूँ तो पक्की पक्की जानकारियाँ इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि इनका समय काल कहीं पर निश्चित लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो कहते हैं 3री, 4थी या 5वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा लिखी गई है। वैसे सबसे पहले जानकारी नाट्य शास्त्र की ही मिलती है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा एक ताल में? 12, 10, 14, 15। जल्दी से जल्दी से, कितनी मात्राएं हो गई? सही उत्तर, एक ताल में कितनी मात्राएं? बिल्कुल सही बात, 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 12। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं? 7, 8, 10, 12। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा रूपक ताल में कितनी मात्राएं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए रूपक ताल में कितनी मात्राएं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। रूपक ताल में कितनी मात्राएं? जल्दी से, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल ठीक बात, 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। अगला प्रश्न, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से बताइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गंधार ग्राम कहाँ मिलता है। गंधार ग्राम के बारे में केवल उल्लेख मात्र किया है नाट्य शास्त्र में, किसने? हमारे भरत मुनि ने। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं है कि उन्होंने नकार दिया कि गंधार ग्राम है ही नहीं, उन्होंने कहा है कि गंधार ग्राम अब प्रचलन में नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। धमार ताल में कितनी मात्राएं? 14, 12, 13, 9। बताओ जल्दी से, धमार ताल में कितनी मात्राएं? बिल्कुल सही बात, कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 14 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 14 मात्रा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं? जल्दी से, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं? 14, 16, 12, 18। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी से, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से उत्तर दो सभी लोग। देखिए मैं पहले ही बता दूं, बीपीएससी इस बार जो होने वाला है ना, बहुत कठिन प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना टीजीटी ना पीजीटी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं आसान प्रश्न को अच्छे से करें, है ना? आसान प्रश्न में गलती नहीं करनी है हमें। जल्दी से बताइए टप्पा ताल में कितनी मात्राएं? 14, 16, 12, 18। कोठे ते माहिया, क्या हो जाएगा सही उत्तर? 16 मात्रा, बिल्कुल सही बात। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। अगला, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? दादरा ताल में कितनी मात्राएं? 6, 7, 8, 10। जल्दी से बताइए दादरा ताल में कितनी मात्राएं? फटाफट से उत्तर दीजिए। हम्म
ठंडो रे ठंडो मेरा पड़े की हवा, ठंडे पानी ठंडो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? छह मात्रा। बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा? छह मात्रा। अगला प्रश्न, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 4, 6, 8, 10। बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ बिल्कुल संजीव, सब बताऊंगी, प्रश्न बनाने तो दो। ओ हो ऐछे ऊछे ऊ हिमाल ठंडो ठंडो, नीसु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, पहिया छन छना पंजारे ओ हो रौला पाका बन्नु दारे ठंडो 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 रे ठंडो, नेरा पड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। बताऊंगी गौतम बताऊंगी, चिंता मत करो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? वेरी गुड अमरीश, बहुत बढ़िया। ये सब लोग नहीं करेंगे? हाँ, पीडीएफ नहीं आ रहा है, आज आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। कहरवा ताल, बिल्कुल, चार मात्रा। कितनी मात्रा? चार। अगला, जत ताल में कितनी मात्राएं? जत ताल में कितनी मात्राएं? 13, 12, 16, 14। बताओ कौन सी भाषा में गाया मैंने अभी अभी? ओ हो आ चलो। ओ हो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडो पानी ठंडो। मेरा एंड में बताऊंगी, बेफिक्र रहो, है ना, एंड में बताऊंगी। क्लास कैसे ज्वाइन करें एंड में बताऊंगी। बच्चे अभी पढ़ लो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 16 मात्रा, एकदम ठीक। अगला, टप्पा ताल में कितने विभाग? टप्पा ताल में कितने विभाग? 4, 5, 3, 6। जल्दी से बताओ, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ऐसे ही एक और है, ये गढ़वाली गीत है ना, पहाड़ी गीत है। हिटो दीदी ओए होए हिटो बोला, हिट वे पैना घास कटाना पारे टाना। हिटो दीदी बताओ जल्दी से कितने विभाग? 4 विभाग होते हैं, ठीक है, 4 विभाग होते हैं टप्पा ताल में। और किस किस मात्रा पर ताली और किस पर खाली होती है? तो ताली होती है 1, 1, 5 और 13 पर, और खाली कितने पर होता है? अगर मैं खाली की बात करूं तो टप्पा ताल पर 9 पर खाली होता है। कितने पर? 9 पर खाली। अगला प्रश्न फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, दादरा ताल में कितने विभाग? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अरे हाँ, 4 मात्रा बता दी क्या मैंने? एक सेकंड। कहरवा में 4 बता दिए क्या? नहीं, विभाग, एक सेकंड। अच्छा, ये 8 होगा भैया, ये 8 होगा, 8 मात्राएं, ठीक है, गलती से मैंने 4 बोला है, इसको ठीक कर लेना, 8 मात्राएं होती हैं।
आठ मात्राएं, ठीक है? हाँ हाँ, आठ मात्राएं ही होती हैं, आठ ही होती हैं। चलिए, दादरा ताल में कितने विभाग? दो, तीन, चार, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 नेहा, एकदम ठीक। कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आठ मात्राएं होती हैं। धागे न तिड़क कधे न धागे, मैं समझ रही हूँ, आप सभी सही हैं। आठ मात्राएं होती हैं, वो गलती से बताया गया है, ठीक है? चलिए, दादरा ताल में कितने विभाग? हाँ 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 वो गलती से ही हुआ है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से। हाँ नहीं, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, दिमाग में विभाग चल रहे थे चीजों के। चलिए, दादरा ताल में कितने विभाग? दो, तीन, चार। बिल्कुल बिल्कुल। हिटो दीदी होए होए हिटो बोला, हिट वे पेड़ाता, घास कटाना परेटाना, हिटो दीदी। ये गढ़वाली है। जब आप लोग पीजीटी का प्रैक्टिकल देंगे तो आपसे क्षेत्रीय भाषा के गीत पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगी तो उसमें एक एक क्षेत्रीय गीत भी सिखा दूंगी, ठीक है? ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल दे पाएं। दादरा ताल में कितने विभाग? दो विभाग, बिल्कुल सही बात। और ताली कहां कहां और खाली कहां कहां, जल्दी से बताओ। ताली होती है एक पर और खाली होता है चार पर, मतलब सिर्फ सम पर ताली होती है, ठीक है? चलिए अगला, जत ताल में कितने विभाग? तीन, चार, पांच, छह। जत ताल में कितने विभाग? हाँ नहीं, ये जो मैं पहाड़ी गाना इससे पहले बता रही थी, पीजीटी में एक मेरी साथी थी, उन्होंने ये गाना गाया था। ओ हो 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 ठंडो रे ठंडो मेरा पड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो पानी ठंडो। पीजीटी में तो होगा, मेरे हिसाब से पीजीटी में होना चाहिए प्रैक्टिकल, बाकी कुछ कह नहीं सकते, नोटिफिकेशन ही बताएगा। ऐच उछ यू हिमाल ठंडो ठंडो, नीसु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, पैया छन छना पंजार ओ हो ओ हो, रौला पाका बनु द्यार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। हाँ श्रुति दोनों है। ओ हो ओ हो ओ हो, ओ हो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। सारे गा पा धा सा सा धा पा घरे सा धा सा, बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ दोनों दोनों पता चल जाएंगे पंकज, चिंता मत करो, मैं बता दूंगी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जत ताल में कितने विभाग? चार विभाग होते हैं। कितने विभाग? चार विभाग। अब कितने पर ताली और कितने पर खाली? हाँ बिल्कुल भूपाली ही है, सही कह रहे हैं, भूपाली है। कितने? एक, पांच, ग्यारह पर ताली। कितने पर? एक, पांच और ग्यारह पर। और खाली कितने पर हो जाएगा? नौ पर। खाली कितने पर? नौ पर खाली, ठीक है? चलिए, छाप दिलक सब छीनी रे तो से नैना मिले के। कहरवा ताल में कितने विभाग? दो, तीन, एक, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। कहरवा ताल में कितने विभाग? जल्दी से बताओ। कहरवा ताल में कितने विभाग? बिल्कुल तीन ताल की तरह, एकदम सही बात। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से नहीं, आप लोगों को मैं पेड क्लास में ही कुछ चीजें एक्स्ट्रा दूंगी जो मैंने सोच के रखी हैं। जल्दी से
जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कहरवा ताल में कितने विभाग? निरे गरे बागरे निरे सा। जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। कहरवा ताल में कितने विभाग हो जाएंगे? दो विभाग हो जाएंगे। कितने विभाग? दो विभाग। अब देखो कैसे, दो विभाग में ताली हो जाएगी एक पर और खाली हो जाएगा आपका तीन पर। कितना? ताली हो जाएगी एक पर और खाली हो जाएगा तीन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चार ताल में कितने विभाग? जल्दी से। बीएमपी वीडियो जी बिल्कुल देखिए, वीडियो के बराबर में आपको नोट्स दिख जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट से बताइए, चार ताल में कितने विभाग? चार पांच छह तीन, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चार ताल में कितने विभाग हो जाएंगे? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग। नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थे मुलाकात की, सितारों की कलियां नहाने लगी, सितारों की कलियां नहाने लगी, गली मुस्कुराए ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हाँ बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, छह विभाग होते हैं इसमें। कितने विभाग? छह विभाग। अब देखो ताली कहाँ कहाँ होगी, चार ताल में जो ताली हो जाएगी वो कहाँ कहाँ हो जाएगी आपकी? पहली पांचवी नौवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर। कहाँ पर? पहली पांचवी नौवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर आपकी ताली होती है। तो खाली कहाँ कहाँ होती है? खाली हो जाएगा आपकी दो मात्राओं पर। कहाँ कहाँ हो जाएगा? तीसरी और सातवीं मात्रा पर। कहाँ पर? तीसरी और सातवीं मात्रा पर। शब्दों में हेर फेर हो सकता है, शब्द ठीक कर लेना है ना। चलिए अगला प्रश्न, सूल अथवा सुरफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कुछ लोग इसको सुरफाक नहीं कहते, कुछ लोग इसको सूलफाक भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, सुरफाक सूलफाक या सूल, ठीक है, एक ही मात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, नौ आठ दस बारह, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से। मुझे प्यार करने को जी चाहता है, बस तुझे पे मरने को जी चाहता है, तुझे प्यार करने को जी चाहता है, बस तुझे पे मरने को जी चाहता है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। सूलफाक या सुरफाक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से। बिल्कुल, दस मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? दस मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, तीव्रा ताल में कितने विभाग होते हैं? तीव्रा, जल्दी से, तीव्रा ताल में कितने विभाग? तीन चार पांच छह, तीव्रा ताल में कितने विभाग? जल्दी से फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तीव्रा ताल में कितने विभाग? बिल्कुल, तीन विभाग होते हैं। कितने विभाग? तीन।
ताली कहाँ कहाँ हो जाएगी इसकी, ताली और खाली कहाँ कहाँ हो जाएंगे इसकी, जल्दी से बताइए क्या होगा, ताली कहाँ कहाँ हो जाएगी इसकी, ताली हो जाएगी इसकी एक और चार पर, कहाँ कहाँ एक और चार, खाली कहाँ हो जाएगा इसका, खाली कितनी मात्रा पर हो जाएगा इसका, खाली हो जाएगा इसका छठी मात्रा पर, ठीक है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मत्त ताल में कितने विभाग, मत्त ताल 6 8 5 9, मत्त ताल में कितने विभाग, जल्दी से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगत उदास है यारो सब से कुछ तो कहो, कभी तो बेहुरा नाज जिक्र यार चले गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, कत दिन राम भरब हम गगरी धीरे चलू तो बालक घर रोवे, धीरे चलू तो बालक घर रोवे, झटकी चलू ते भीजे मोरा चुनरी, कितने विभाग हो जाएंगे, कत दिन राम भरब हम गगरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, चार ताल में तो सही है, कहरवा ताल में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं तभी कहूं आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं पांचवी पर पांचवी पर, भाई अगर अगर कभी ऐसा हुआ करे, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, तो मुझे याद दिला दिया करो, मैं वही कहूं कि कहता चार पे खाली, मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़, अच्छा कहरवा में पांच पर, अच्छा मैंने यहाँ तीन लिखा इसलिए आप लोग बोल रहे थे, मैं वही कहूं कि पांच पर खाली लगातार क्यों बोल रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, मत ताल में कितने विभाग, कई बार क्या होता है कि कहते हुए भी हम लोग चीजें भूल सकते हैं, हाँ बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ, अच्छा अच्छा कहरवा, नहीं नहीं वो हो गया ठीक, वो हो गया ठीक, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, मत ताल में कितने विभाग, जल्दी से बताइए मत ताल में कितने विभाग, जल्दी से, मैथिली संजीव मुझे वाकई नहीं आती, मैथिली भाषा मुझे सीखनी है लेकिन है नहीं, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, मत ताल में कितने विभाग, जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, मत ताल में कितने विभाग हो जाएंगे, नौ विभाग, बिल्कुल सही बात, कितने विभाग, नौ विभाग। अब नौ विभागों में देखो, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, कई बार क्या होता है कि एक ही ताल के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि बहुत सारी तालों को पलुस्कर जी ने बदला है, अब अगर आप जैसे कि कहरवा ताल देखो,
तो कहरवा ताल कहीं आपको मिलेगी चार मात्रा की, कहीं आपको मिलेगी आठ मात्रा की। सामान्य तौर पर आठ मात्रा की बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन चार मात्रा की भी कहरवा ताल होती है। तो ये मत भूलो कि एक ताल के एक से ज्यादा रूप भी होते हैं। ठीक, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, कहां कहां पर? एक पांच सात ग्यारह तेरह पंद्रह, एक पांच सात ग्यारह तेरह पंद्रह, ये क्या हो जाएंगे? ताली वाले, ये ताली वाली मात्राएं हो गई। और खाली वाली मात्रा क्या हो जाएंगी इसकी? तीन और नौ। ठीक है, एक क्लास खाली लयकारी की रख लेंगे, बस जितना हो जाएगा ना लयकारी की खाली, एक मतलब एक दो क्लास करके लयकारी की रख लेंगे, जिसमें दुगुन तिगुन चौगुन हम ये सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चाचर ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? चाचर में चाचर ताल में कितनी मात्राएं, जल्दी से बताओ, चाचर ताल में कितनी मात्राएं? बारह चौदह सोलह, कितनी जल्दी से बताओ, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग। चाचर ताल में बारह चौदह सोलह या अठारह, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से। दीपक, तिलवाड़ा ताल दो तरह से लिखी जाती है, मैं फिर कह रही हूं आप लोगों को, अगर मतलब जैसे ताल के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग ताल के बारे में बात करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अनामिका, इसी समय पर क्लास होती है, तीन बजे ही क्लास होती है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चाचर ताल में कितनी मात्राएं? बिल्कुल, चौदह मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? चौदह मात्राएं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है चाचर ताल नाम ना सुना हो, तो चाचर ताल को ही आप दीपचंदी ताल के नाम से जानते हैं, यही दीपचंदी है, इसी को कुछ लोग चाचर कहते हैं कुछ लोग दीपचंदी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? चाचर या दीपचंदी एक ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। दीपचंदी ताल में कितने विभाग होते हैं? तीन चार पांच छह, यही चाचर है, ध्यान रखना, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। दीपचंदी ताल में कितने विभाग, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। दीपचंदी ताल में कितने विभाग? बिल्कुल, छह विभाग। कितने विभाग? दीपचंदी ताल में आपके छह विभाग हो जाएंगे। कैसे? कितने पर ताली, कितने पर खाली? एक चार ग्यारह पर, एक चार ग्यारह पर ताली। और खाली कितने पर हो जाएगा? खाली कितने पर हो जाएगा, बताओ जल्दी से, खाली कितने पर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। खाली हो जाएगा आपका आठ पर। ठीक है, एक चार और ग्यारह पर ताली और आठ पर खाली। ठीक है, चल दिए अगले से बताते हैं, अगले प्रश्न से। रूपक ताल में कितने विभाग? तीन चार पांच दो, जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। रूपक ताल में कितने विभाग, जल्दी से बताओ। YouTube क्लास तीन बजे से चार बजे और नौ बजे से दस बजे होती है। ठीक है, चलिए मैं फिर बता रही हूं, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की ताल मिलेंगी। ताल ये निर्भर करता है कि ताल लिखी किसने है। ताल के विभाग बांटे जाते हैं, पलुस्कर जी ने अलग बांट दिए और भातखंडे जी ने अलग बांट दिए, तो आपको काफी ज्यादा वेरिएशन मिलेगा अलग अलग किताबों में। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक मिनट, आज ये क्या हो रहा है। अच्छा, छह नहीं, रुको रुको रुको, छह भी होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने यहां लिखा है उस हिसाब से चार होंगे। अब सुनो मेरी बात, छह विभाग वाली दीपचंदी ताल आप लोगों को जब मैं कराऊंगी तब लिखवा दूंगी। ठीक है,
छह विभाग भी बांटे गए हैं लेकिन पलुस्कर जी के द्वारा। अभी हमने भातखंडे जी के हिसाब से लिखा, ठीक है। छह विभाग वाला भी होता है ताल, दीपचंदी ताल को दो तरह से लिखा जाता है, छह विभागों में बांटकर भी है और चार विभागों में बांटकर भी है, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गंगाधर जी, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बेफिक्र रहिए। हाँ, 14 मात्राएं, चार विभाग भी होते हैं, छह विभाग भी होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ अगला प्रश्न, रूपक ताल में कितने विभाग, रूपक ताल में कितने विभाग, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पारुल, बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, रूपक ताल में कितने विभाग। हाँ सही बात, सही बात, चार भी होते हैं छह भी होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। देखिए बहुत सारी ताल ऐसी हैं जो आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो ताल लिखी हुई भी आपको अलग अलग मिलेंगी, जैसे कि सुलफाक ताल है वो तीन जगह पर आपको तीन तरह से लिखी हुई मिलेगी, रूपक ताल है वो आपको अलग तरह से मिलेगी, कहरवा ताल आपको अलग तरह से मिलेगी, तो है अंतर है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। ए, रूपक ताल में कितने विभाग हो जाएंगे, तीन विभाग हो जाएंगे, कितना हो जाएगा तीन विभाग। अब तीन क्यों है, होने तो चार चाहिए थे, नहीं इसमें खाली नहीं होता कहीं भी, रूपक ताल में खाली नहीं होता किसी भी मात्रा पर, ताली होती है सिर्फ, कितने कितने पर ताली हो जाएगी जल्दी से बताइए। रूपक ताल में कहीं कहीं तीन तरीके नहीं, आप ये मान के चलो कि रूपक ताल को तीन तरह से अलग अलग तरीके से बजाया जाता है, तो एक ताल को आप कई तरह से बजाते हुए मिलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीन मात्राएं हो जाएंगी, कैसे तीन मात्राएं, एक चार और छह पर ताली, एक चार और छह पर ताली हो जाएगी। अगली बार जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगी तो कोशिश करूंगी कि एक ही ताल के अलग अलग प्रकार जो होंगे उनके भी प्रश्न बनाऊं, ठीक है। चलिए संजीव, वो निर्भर करेगा, मैं बता दूंगी किस तरीके से प्रश्न आएंगे, है ना, उस हिसाब से हम रख लेंगे। वैसे ज्यादा सामान्य तौर पर भातखंडे जी की पद्धति को माना जाता है, भातखंडे जी की जो स्वरलिपि पद्धति है उसके हिसाब से माना जाता है, तो भातखंडे जी के हिसाब से ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, रूपक ताल में कितने विभाग, तीन विभाग, एक चार छह पर ताली खाली नहीं होता, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22, तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग, तीन चार पांच छह, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। एस्टेट महापैक वाले में, कुंदन चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है, आज कोई विशेष कारण होने की वजह से मैं बात नहीं कर पाई, कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ कहीं कहीं पर एक, नहीं नहीं एक पर खाली, रविश मैं वही बता रही हूँ, ताल में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक से ज्यादा लोगों ने ताल को अलग अलग तरीके से बनाया है, तो ये समस्या बनी रहती है ना। अच्छा हाँ, कल एक चीज मिस हो गई थी, कल आप लोगों को मुझे सबसे पहले अपना परिचय देना था कि मैं कौन हूँ, आपकी जो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी थी, वो मैं कल भूल गई, वो परिचय आज हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से उत्तर दो सभी लोग। तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग, चार विभाग हो जाएंगे, कितने विभाग हो जाएंगे, चार विभाग हो जाएंगे। अभी चार विभाग कौन कौन से हो जाएंगे जल्दी से बताओ, चार विभाग में कहां कहां ताली, कहां कहां खाली, बताओ जल्दी से, ताली कहां हो जाएगी इसमें, तिलवाड़ा ताल में कहां कहां ताली, एक पांच तेरह पर ताली, कहां पर, एक पांच और तेरह पर ताली, और खाली कहां हो जाएगा इसमें, खाली कहां हो जाएगा इसमें, नौ पर खाली हो जाएगा, कहां हो जाएगा खाली, नौ पर, ठीक है। कोशिश करूंगी कि ताल के हर प्रकार को मैं आपको बता दूं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक ताल में कितने विभाग, चार तीन पांच छह, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, बाकी क्लास अल्पना चिंता मत करो, सारी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी ऐप पर, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, ऐप पर भी आपको क्लासेस जल्दी मिलने लगेंगी, बाकी भी, है ना, आज या कल में मैं आपको बाकी क्लासेस का टाइम बता दूंगी। सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस म्यूजिक का ही है, इस वजह से सबसे पहले इसी की क्लास शुरू हुई है, बाकी का सिलेबस तो 40 नंबर में सारे सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, 6 से 8 की जूली ऐप में ही मिलेगी आपको, बाहर नहीं मिलेगी, ऐप में ही होगी। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? एक ताल में कितने विभाग? 6 विभाग। कितने विभाग? 6 विभाग हो जाएंगे। अब 6 विभाग में कहां कहां ताली, कहां कहां खाली, जल्दी से बताओ। बिल्कुल 1, 5, 9, 11 पर ताली, कहां पर? 1, 5, 9 और 11 पर ताली। तो खाली कहां कहां हो जाएगा बताओ जल्दी से, खाली कहां कहां होगा इसमें, जल्दी से फटाफट से बताओ। खाली हो जाएगा 3 और 7 पर। कहां हो जाएगा खाली? 3 और 7 पर हो जाएगा आपका खाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा ताली और खाली का। आगे बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झप ताल में कितने विभाग, जल्दी से बताओ। झप ताल में कितने विभाग हो जाएंगे? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झप ताल में कितने विभाग? 4, 3, 5, 6। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। संजीव जी, एक ही बात का जवाब देते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। मतलब आप लोग मेरे भोलेपन का इतना फायदा उठाते हो कि पूछो ही मत। मैं थोड़ी आसान स्वभाव वाली हूँ, थोड़ी मृदु स्वभाव वाली हूँ, तो आप लोग एक ही प्रश्न को 1000 बार पूछो। सोच के देखिए कि ऐप पर मेरा क्या हाल हुआ होगा कि आप लोग इतने प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग? 4, 3, 5, 6। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। कितने विभाग हो जाएंगे? 4 विभाग हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात, कितने विभाग? 4 विभाग। अब ताली कहां और खाली कहां? 1, 3 और 8 पर ताली होती है। किस पर? 1, 3 और 8 पर हो जाएगी ताली। तो खाली कहां हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताओ। 1, 3 और 8 पर हो जाएगी ताली, तो खाली कहां हो जाएगा, जल्दी से बताओ। कहां होगा खाली? खाली हो जाएगा आपका 6 पर। खाली किस पे हो जाएगा? 6 पर हो जाएगा आपका खाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिल्कुल, आड़ा चार ताल में कितने विभाग? आड़ा चार ताल में कितने विभाग? हाँ बिल्कुल 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 कल्पना, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं कराऊंगी, इसीलिए प्रश्न बनाकर लाई हूं ताकि ज्यादा बार आप देखोगे तो याद होंगी चीजें। कल मैं आप लोगों को ये सारी की सारी यहां पर ताल बता दूंगी। ठीक है, ताल उसके बाद प्रश्न, ताल उसके बाद प्रश्न। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। आड़ा चार ताल में कितने विभाग? 4, 5, 6, 7। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। विजय, आप अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। आड़ा चार ताल में कितने विभाग, फटाफट से उत्तर दो। कितने विभाग हो जाएंगे? बिल्कुल 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 सही बात, कितने विभाग हो जाएंगे? 7 विभाग। अब खाली कहां और ताली कहां? अगर मैं ताली की बात करूं तो कहां कहां ताली हो जाएगी इसमें, जल्दी से। आड़ा चार ताल में कहां कहां ताली? 1, 3, 7 और 11 पर। कहां? 1, 3, 7 और 11 पर ताली। और खाली कहां कहां हो जाएगा? अगर मैं खाली पूछूं तो कहां कहां खाली हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, कहाँ कहाँ पर खाली होगा इसमें? 5, 9 और 13 पर। कहाँ पर? 5, 9 और 13 पर। ठीक है, ये हो जाएगा खाली। बिल्कुल, 1, 3, 7, 11 पर ताली और 5, 9, 13 पर खाली। अब इन सारी मात्राओं को ना हम लोग कल अच्छे से, मतलब ताल के माध्यम से कल हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी अगर मुझे 2 या 2 से ज्यादा रूप किसी ताल के मिलते हैं तो सारे रूप आप लोगों को करा दूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके प्रश्न। अब आप लोगों को पता है कल यानी कि 10 अक्टूबर को आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 अक्टूबर को अयाची बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, 9th और 10th के लिए भी और 11th और 12th के लिए भी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है, अभी भी बैच दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है।
ठीक है। तो मैं ये एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप बचे हुए हो और आप लोग ये चाह रहे हो कि आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है और एडवांस तक तैयारी करनी है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहाँ अयाची बैच से उपलब्ध हैं, इस समय पर उपस्थित हैं, कल उनको क्लास कैसी लगी, मैं जानना चाहती हूँ। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, कैसी लगी कल आप लोगों को क्लास? कल जो हमने अयाची वाली क्लास देखी, कल मैंने जो आपको अयाची में पढ़ाया, वो कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी से बताइए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं, जल्दी से फटाफट से बताइए। जल्दी से बताइए, अच्छी लगी कल आप लोगों को क्लास? कल अयाची बैच की पहली क्लास में मजा आया? मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को कि ग्रंथ के माध्यम से और अच्छी किताबों के माध्यम से ही पढ़ाऊं, है ना, मेरी पूरी कोशिश इसी बात की रहेगी। अच्छी लगी? तो चलिए, अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हों, उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि भाई देरी मत करो, जितनी ज़्यादा देरी करोगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे आपकी एग्ज़ाम का जो समय है वो नज़दीक आता जाएगा, और जितनी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी उतना नुकसान आपका होगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग लाइव बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करें तरीका बता रही हूँ, गूगल पर सर्च करिएगा अड्डा 247। क्या सर्च करेंगे आप लोग? अड्डा 247, ठीक है। अगर अड्डा 247 सर्च करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा होगा ऑल कोर्सेज, यहाँ इस पर क्लिक करिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स लिखा है, उसके बराबर में स्टेट एग्जाम, इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे खुलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है शिक्षक भर्ती 9th 10th, यहाँ पर 11th 12th। जो भी बच्चे एस्टेट वाले हैं, मैं समझ रही हूँ ये प्रेम वो इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेटवर्क इश्यूज वाली जगह पर रहते हैं, इस वजह से आप लोगों का कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, वरना इस तरफ से कोई समस्या होने का दूर दूर तक भी मतलब नहीं है, है ना। तो आप लोगों को इंटरनेट की सुविधा को अच्छा रखना होगा, तभी समस्या आप लोगों की दूर होगी, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ के लिए बच्चे कुछ भी नहीं करना है, पीडीएफ आप आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए। जब आप ऐप खोलेंगे, मेरी क्लासेस खोलेंगे, क्लास के बराबर में पीडीएफ का ऑप्शन है, वहीं पर क्लिक करिए, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को पीडीएफ दिखाई नहीं दे, ये संभव ही नहीं है। पीडीएफ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है भाई, तो मैं कैसे बोल दूं कि पीडीएफ नहीं है, है, ठीक है। पारुल डीएसएसबी के लिए टीजीटी या पीजीटी आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो टीजीटी का अभी जो वैकेंसी आई है वो टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, अब 9th 10th, अगर टीजीटी का बैच ज्वाइन करना है तो 9th 10th वाला करना, पीजीटी का ज्वाइन करना है तो 11th 12th वाला करना, ठीक है। और अगर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी की मिक्स तैयारी कर रहे हो या एक से ज़्यादा क्लासेस की तैयारी कर रहे हो तो फिर महापैक ज्वाइन करना टीचिंग का। मैं बता रही हूँ कैसे ज्वाइन होगा, ध्यान से सुनना। जैसे 9th 10th पर क्लिक किया, क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ देखना, ये अयाची लिखा है 9th 10th, 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। तार सप्तक का साल लगाने से 8 स्वर हो जाते हैं विकास, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 8 स्वर नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। जैसे देखो अंग्रेजी में ऑक्टेव होता है, 8 स्वर लिए जाते हैं, तो ये हो सकता है। चलिए, अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो ऐसे करके एक ऐप खुल के, एक पेज खुल के आएगा। अब आप लोग क्या देख रहे हो, इसमें आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, मतलब जनरल सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपको, जनरल सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी मिलेंगी, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज पेपर की क्लासेस भी मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश, और आप लोगों को म्यूजिक भी मिलेगा। सारी क्लासेस इसी के अंदर मिलेंगी आपको, टीजीटी हो या पीजीटी हो, अलग से कोई भी सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लीजिए, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल गौरव, EMRS हो या BPSC हो या DSSB हो या टीचर की कहीं भी तैयारी कर रहे हैं आप म्यूजिक के लिए, तो आपको एक ही बस यही चीज़ करनी है, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, 6 महीने की वैलिडिटी होगी, इसमें आपको लगभग 300 से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, ठीक है। अब नीचे करेंगे तो देख रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आप 24 घंटे इसको रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, एक बार क्लास होने के बाद, लाइव होने के बाद। अगर नहीं देख पा रहे हैं लाइव क्लास तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, PDF मैं आपको खुद दूंगी, स्टडी मटेरियल अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो ऐसे लिखा आएगा, सीधा क्लिक मत कर देना, यहाँ एंटर कूपन कोड पर
Y740 जो कि मेरा टीचिंग कोड है उसको अप्लाई करना, ये 1839 में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको चाहिए तो 1759 रुपए में आपको यही बैच पड़ सकता है। कैसे? अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप डाउनलोड करके वहां पर बिहार सेलेक्ट करके अयाची वहां से ज्वाइन करिएगा। फोन से ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को कॉइन मिलेंगे, उन कॉइन को लगाइएगा ऐप में जो कॉइन दिए होंगे, और बाकी टीचिंग कोड तो आपको पता ही है Y740, ठीक है। मुझसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी पुरानी PDF 3 दिन की आपकी बची हुई है, आज का मिलाकर वो सारी PDF टेलीग्राम पर आपको आज मिल जाएंगी। आप सभी लोगों को नमस्कार।